नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। कानपुर में जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई, पान मसाला व्यवसाय के ठिकानों पर रेड पड़ी है। हरीश मखीजा के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई है। नयागंज जैन कटरा मार्केट में छापा मारा गया है। अमित गंजू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी कार्रवाई को लेकर के अपडेट? देखिए नलिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में मसाले का सबसे बड़ा हब है और आए दिन जीएसटी या इनकम टैक्स की टीम छापेमारी या स्क्रीनिंग करती रहती। इसी कड़ी में अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के एक प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी, जिनका उत्तर प्रदेश का 7 प्रदेशों में मसाले का कारोबार है, उनके यहाँ जीएसटी की टीम ने आज छापेमारी की। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 5 सदस्यीय टीम पूरी पहुंची है और लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास पहुंची और उसके बाद से इन्होंने अपनी छापेमारी की शुरुआत की। पहले तो दस्तावेज खंगाले गए और उसके बाद एक एक करके पेपर्स को टैली कराया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो अभी छापेमारी थोड़ी लंबी चलने वाली है। कर अपवंचना की सूचना पर इस छापेमारी की शुरुआत हुई और तमाम चीजों को, तमाम दस्तावेज, क्योंकि कच्चे और पक्के पर्चे का सबसे बड़ा एक व्यापार कानपुर में है, क्योंकि पूर्व में भी चाहे पीयूष जैन की हम बात करें, इतर करें आरके सिंह की, चाहे तमाम ऐसे मसाला कारोबारियों की जिनके यहाँ इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। क्योंकि कानपुर के रडार, कानपुर के जो ये व्यापार संगठन के लोग हैं, ये हमेशा इन अधिकारियों के रडार पर रहता है। इसी कड़ी में जब ये छापेमारी की कार्रवाई समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या, कितने का गोलमाल था और कितने रुपए की कर अपवंचना सामने आई है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मऊ के गोसी में बड़ा हादसा हो गया है। हल्दी रस्म में जा रही महिलाओं के ऊपर एक दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत की खबर मिली है। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया और अफसरों को राहत कार्य के निर्देश दिए। गोसी कोतवाली के मेन बाजार स्टेशन रूट का पूरा मामला। बंजारी घोसी का एरिया है, यहाँ पर एक दीवार थी और कुछ लोग जो है वहाँ एक हल्दी की रस्म हो रही थी, उसको कुछ महिलाएं जा रही थी, तो अचानक से वो दीवार गिर गई और कुल लगभग 20 से अधिक महिलाएं की भी सूचना मिली है, जिसमें कि 3 लोगों के भी डेथ है और बाकी जो घायल हैं उनको तत्काल हम लोगों ने गिरा सका था और आगे बढ़ने के हॉस्पिटल वहाँ पर हम लोगों ने रेफर किया। सर अभी हम लोग लगातार नजर रखे हैं और अभी हम लोग भी जो घायल हैं उनको आजकल लेने के लिए जा रहे हैं और जो भी उपचार की व्यवस्था है जो भी यहाँ पर राहत की व्यवस्थाएं हैं, चाहे फायर की गाड़ी है या जो भी एम्बुलेंस की है या जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था है वो दिखाई जा रही है। बाकी सीरी की सारी चीज़ जैसा कि अस्पताल में बताया उसको देखा जा रहा है। अभी घायलों की संख्या के लिए जो हमारे शहर के अस्पताल हैं वहाँ पर मैसेज करा दिया गया है कि वहाँ उनको घायलों को जो भी बेड इत्यादि हो अभी सारी चीज़ें। उन्नाव में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया। जहरीली शराब केस में 5 लोग सस्पेंड हो गए हैं। थाना प्रभारी, आबकारी निरीक्षक सस्पेंड, सोहरा मऊ थाना प्रभारी हल्का इंचार्ज, इसके साथ ही 2 बेट सिपाही के अलावा आबकारी निरीक्षक हसनगंज भी सस्पेंड। जहरीली शराब से हुई थी 2 लोगों की मौत। सोहरा मऊ थाना क्षेत्र का मामला। हाथरस से बड़ी खबर आ रही है जहां निजी पब्लिक स्कूल की टीचर से छात्र से राम राम बोला तो टीचर छात्र को धमकाने लग गया और छात्र को हड़काकर बाहर निकाल दिया। जब परिजनों ने शिकायत की तो परिजनों को भी धक्का देकर निकालने का आरोप है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में तिलक लगाकर जाने पर धमकाया जाता है। पूरा मामला दपा कोतवाली क्षेत्र का है। सर से आपने किया था? क्या नाम था उन सर का जिनसे आपने राम राम किया था? वो लड़के ने किया था, वो चला गया। अच्छा, वो चला गया तो कौन से सर थे वो? वो तो उसे पता होगी कि हम पेड़ से अंदर आ गए। क्या था? खुद अपने आप देखो, इसकी इनकारी करो। क्या बच्चों को राम राम बोलने पे मना करते हैं? हरी तिलक लगा के चले, बहुत बेहतर है। तिलक लगाने में मना करते हैं? कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं शहजादपुर का रहने वाला हूँ। तो इसमें आपने प्रिंसिपल से कभी कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं, हम तो बच्चों को निकालेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्यों नहीं इसमें। कौन कौन पढ़ता है इसमें? कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते आपके? हमारे मतलब सीतापुर में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गर्जा है। यहाँ पर नगर पालिका और पुलिस की टीम ने अवैध टिकट घर बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से टिकट घर बनाया गया था। ईओ नगर पालिका ने मौके पर जाकर अवैध कब्जेदारों को हटाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में कार्रवाई हुई। आपको बता दें पिछले साल नजूल की जमीन पर शहर के कुछ लोगों ने मेले का आयोजन किया था। 1 महीने के बाद मेला तो खत्म हो गया,
लेकिन टिकट घर को ध्वस्त नहीं किया गया। नगर पालिका ने मेला आयोजकों को कई बार नोटिस भेजा लेकिन टिकट घर को नहीं तोड़वाया गया। इस पर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा। इसमें 2 याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब माननीय न्यायालय ने आज फैसला रिजर्व कर लिया और माननीय न्यायालय कब फैसला देती है यह डेट निश्चित नहीं है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही आ जाएगा। बुलंदशहर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बकाया बिल वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने अपने पालतू कुत्ते को छोड़ दिया, जिसे बिजली विभाग का जेई कुत्ते के काटने से घायल हो गया। मामला अंबा कॉलोनी का है। पीड़ित जेई ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की टीम विशाल चौधरी के घर बकाया बिल वसूलने गई थी। विशाल चौधरी आरएलडी का नेता बताया जा रहा है। घरों में लोग पालते हैं उस टाइप के बड़े बड़े, लेकिन कुत्ते बड़े बड़े थे, अनऑथराइज कुत्ते थे, अनऑथराइज थे, और लेकिन उनका प्रजाति स्पेशली मुझे याद नहीं है। पिटबुल टाइप के, पिटबुल टाइप के जो बड़े बड़े जैसे न्यूज व्यूज में देखते हैं उस टाइप, बिना लाइसेंस के रखे हुए। तो जब वो कुत्तों ने आक्रमण किया तो कैसे गिर गए थे, क्या हुआ? हुआ ये कि जब वो घर के अंदर गए और फिर जब अंदर से जैसे उन्होंने अंदर के अंदर से उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए और साथ में लाठी डंडे वगैरह लेके भी निकले, जैसे कुत्ते आए तो कुत्तों की हड़बड़ाहट में भागने की वजह से थोड़ा कीचड़ भी था, मैं गिर गया वहाँ गिर गया। तुरंत कुत्ते ने मुझे, एक कुत्ते ने झटका, मैं उसे थोड़ा झटक दिया, अब तक तो मेरे ऊपर फिर मुझे ध्यान नहीं, लाठी डंडे थे मुझे। आसमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगाई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश मौके से भाग गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। घायल बदमाश गौ तस्करी के मामले में वांटेड है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, बदमाश पप्पू यादव स्थानीय थाने का टेस्टी शीटर भी है। थाना गंभीरपुर में धनीपुर गांव के पास पुलिस व गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें पप्पू यादव जो मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर का रहने वाला है, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। यह बदमाश कैफ नामक हिस्ट्री शीटर के साथ गौकशी का कार्य करता था व कैफ के ऊपर एक दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। महिला से चेन स्नैचिंग मामले में फरार दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कब्जे से एक बाइक और लूटी हुई सोने की चेन, अवैध असलाह बरामद किया गया। मामला भवन थाना क्षेत्र का। पुलिस को मुखबिर से बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों को चेकिंग के दौरान पकड़ने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की। नाम 4 तारीख को थाना कस्बा थाना भवन के कस्बे में शाम के ही टाइम महिला एक जा रही थी, उसके साथ इन लोगों ने पीछा करके एक नकाब जन व्यक्ति ने पीछे से उसकी चेन घसीट ली थी। तुरंत ही हमारे जो है उसकी तहरीर पे हमने जो उचित धाराएं थी उस पर मुकदमा दर्ज किया। आज शाम को हमारे चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लड़के इधर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनका पीछा किया गया तो उन्होंने भागने की और तेज़ भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायरिंग भी करी। इसी उस फायरिंग के जवाब में हमारे द्वारा भी उन पर फायरिंग करी गई, जिसपे वो घायल हुए हैं। अली पहुंची और दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर छात्रों को सम्मानित किया। यहां के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी पहुंचे और सीएम योगी ने तीनों अथॉरिटी के सीईओ, पुलिस कमिश्नर, डीएम के साथ समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा भी हुई है। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं
कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। एसपीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने हरदोई में अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान का पुजारी हूं, मन से श्राप दे दूंगा तो अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। राजभर ने कहा कि उनके झंडे का रंग पीला है, अगर अखिलेश को मन से श्राप दे दूं तो उन्हें पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो पीला झंडा नहीं पकड़ेंगे। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं, इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना, हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमारे झंडा का रंग पीला है, मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी, तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और बैठक में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई है। वहीं बैठक के बाद विधायक पंकज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। विधायक पंकज सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई, जल्द ही टेक ऑफ और लैंडिंग होगी। देखा जा रहा कुछ नई सौगात भी मिलने वाली है आज, कुछ उस पर डिस्कशन। कई योजनाएं हैं ग्रेटर नोएडा, यमुना नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी उन सब चीजों के बारे में बताया गया है और को लेकर कोई चर्चा हुई आया है, वो सब सारी चीजें आई हैं। जल्द से जल्दी अब जेवर एयरपोर्ट से भी यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट्स की चालू हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद ही बहुत ही इसकी संवेदनशील हैं, इसको लेकर बहुत ही अलर्ट हैं इसको लेकर। मेरठ से खबर, जहां पर आमरण अनशन पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान का वजन बढ़ गया है और यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है, मगर अतुल प्रधान के हेल्थ चेकअप में इस बात का खुलासा हुआ। तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने वजन चेक करने पर विरोध किया था, मगर उनका चेकअप हुआ जिससे उनका वजन बढ़ा हुआ है। सीएमओ ने एडीएम सिटी को रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि अतुल प्रधान का प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ डीएम कार्यालय पर आमरण अनशन चल रहा है। प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ आमरण अनशन चला रखा है। पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है मेरठ के डीएम कार्यालय पर। ये आमरण अनशन भारी भीड़ के साथ जारी है, लेकिन अब जब ये मामला सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंज चुका है, जिसके बाद अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मेडिकल रिपोर्ट की माने तो अतुल प्रधान के इस आमरण अनशन में भूख हड़ताल जैसे कोई लक्षण नहीं पाए गए, यानी अतुल प्रधान के मेडिकल चेकअप में स्टार्वेशन यानी भूख जैसा कोई लक्षण नहीं है उनका। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने 25 और मामलों में जमानत को तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा भुगत रहे आजम खान, उनकी पत्नी तजिन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और 25 और मामलों में जमानत को तुड़वाने के लिए अर्जी दे दी गई है। कोर्ट ने एक मामले में उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया है। आजम खान, उनके पति डॉक्टर तंजीव फातिमा और बेटे आजम खान 14 केसेस में पहले ही अपनी जमानत तुड़वा चुके हैं। इस तरह अब तक 39 मामलों में जमानत तुड़वाने को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, इसमें 15 मामलों में जमानत तुड़वाई जा चुकी है। देखिए, एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट रामपुर के न्यायालय में जो है आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान के जो मामले विचाराधीन है, उसमें कुल 25 मामलों में अब्दुल्ला आजम खान एवं मोहम्मद आजम खान के तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह अपने जमानतियों को उन्मोचित कराना चाहते हैं, जिस पर जो है माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को नजरिए बीसी तलब किया गया है। कुल 25 मामले हैं, जिसमें अजीम नगर थाने के जो मामले हैं वो हैं, फिर एक पासपोर्ट वाला जो मामला 980 है वो है, गंज का है। तो फोटो मुकदमे में इन्होंने अपनी जमानती तुड़वाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। और ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी है। ई रिक्शा ड्राइवर समेत 3 की मौत, मरने वालों में 2 महिलाएं 1 पुरुष शामिल। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ट्रॉला चालक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर क्षेत्र का पूरा मामला।
और बागपत के बड़ौद बुढ़ारा मार्ग पर बिजरौल गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवेंद्र परमार शर्मा है और उनकी बुढ़ो जा रहे थे और जाने के बाद जब वापस आए ना तो उनका आते टाइम पर बाइक से बाइक टकराई उनकी, तो देवेंद्र कुमार शर्मा की तो एकदम तुरंत मौत ऑन द स्पॉट ही होगी। फिर हमने सोचा वो साथ चल रही है कोई बात नहीं चलो तो लेकर हॉस्पिटल में आ गया। सरकारी हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया उन्होंने और दूसरा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। और कानपुर में तेज रफ्तार बस और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दो लोग घायल हैं। हादसा जीटी रोड चंडाली ब्रिज के पास का है। पिकअप में सवार मृतक का एक कपड़ा व्यवसायी है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों का अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अमरोहा में तेज रफ्तार के चलते कई गाड़ियों में टक्कर हो गई। डग्गामार वाहन और पीछे से ओवरटेक कर रही कार को और एक मयूरी सहित तीन वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। भयंकर टक्कर लगने से एक गाड़ी खाई में जा गिरी। पूरा मामला सैद नगली थाना क्षेत्र के उजारी हसनपुर रोड हाईवे का है। हम लोग चंदौसी से शादी अटेंड करके आ रहे थे और रास्ते में यहाँ हसनपुर तहसील के पास एक डग्गा मार गाड़ी थी, वो साइड से चल रही थी। थोड़ा सा हमने उसको ओवरटेक किया तो उसने गाड़ी को डाइवर्ट किया और उसमें हमारी गाड़ी उसके इंपैक्ट में आ गई और गाड़ी आगे जाकर टकरा गई पेड़ से और एक गाड़ी से भी उसका। कितने इसमें जो कितने लोग घायल हैं? घायल इसमें तीन लोग हैं, माइनर इंजरीज हैं, सो कुछ फैटल नहीं है, मतलब कोई ऐसी खास इंजरी नहीं है। और मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के महाओ के पास एक स्कूली बस पलट गई। हादसे में 26 बच्चे घायल हो गए हैं। बस में कुल 60 बच्चे सवार थे। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 17 बच्चों की हालत गंभीर है जिनको अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। कहाँ पलटी थी बस, कैसे, किसकी गलती थी उसमें, कितने लोग थे उसमें, कितने बच्चे? लगभग 15। आज दिनांक 8/12/23 को सुबह लगभग 8 बजे रियाज कॉन्वेंट स्कूल की एक बस मंडाव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी जिसमें बस स्टाफ सहित कुल लगभग 26 लोग थे। जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें जो घायल 17 छात्र थे उनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडा भेजा गया। और बस्सी में रुधौली पुलिस ने तीन छात्र चोरों को अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से 1.5 लाख कीमत का चोरी का सामान बरामद हुआ। चोरों के गैंग ने पंचायत भवन और पेट्रोल पंप को निशाना बनाया था। पकड़े गए चोरों के गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। बीती 6 दिसंबर की रात को पंचायत भवन और 7 दिसंबर को राय पेट्रोल पंप को चोरों ने निशाना बनाया। घटना का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। रात्रि में रुधौली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और विगत दिनों में जो चोरियां हुई थी रुधौली कस्बे में और आसपास में उस गैंग को पकड़ा गया है और उनसे जो भी चोरी का माल था वो 100% माल बरामद हुआ है। इसमें दो चोरियों का खुलासा हुआ है जिसमें एक चोरी कस्बे के बाहर एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से चोरी हुई थी। उसमें काफ़ी उनके सामान, प्रिंटर, लैपटॉप, उनका CCTV कैमरा गया था। और दूसरी चोरी जो है ये डड़वा पांडे गांव के पंचायत भवन में जहां पर सेंटर चल रहा था वहां से इन लोगों ने चोरी की थी। कौशाम्बी पुलिस ने बीरू हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा कर दिया। प्रेम प्रसंग के चलते बीरू की हत्या की गई। सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर मौत के घाट उतारा गया। 5 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लोहे की पाइप भी बरामद कर ली गई है। हत्या आरोपी धर्मेंद्र की भांजी से मृतक बीरू का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर धर्मेंद्र ने अपने 4 साथी के साथ मिलकर बीरू की हत्या कर दी। कल सुबह थाना संदीपनगर क्षेत्र के कोयलाहा में एक बंद पड़े भट्टे पर एक 19-20 वर्षीय युवक के शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
मौके पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट को लेकर के साथ गई थी। उस शव का शिनाख्त उसी गांव के बीरू नाम के युवक से हुई है। घटना के अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तीन टीमें गठित हुई थी, जिन्होंने महज 12 घंटे में इस पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी की वारदात सामने आई है। एक शख्स ने 1 साल के पोते और बहू को मौत के घाट उतार दिया। पहले पोते पर हमला किया, बीच बचाव को आए बहू पर भी हमला कर दिया। आनंद फान में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस वारदात की खबर से आसपास हड़कंप मच गया है। थाना तालगांव के अंतर्गत ग्राम देवरिया से आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहू तथा अपने पोते के ऊपर एक किसी नुकीले हथियार से प्रहार किया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जब जांच किया गया तो पता चला कि इनमें से जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से असंतुलित है। उसके द्वारा बांके से अपनी बहू शिखा तथा अपने पोते आयुष के ऊपर प्रहार किया गया, जिसमें उसके पोते आयुष की, जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष है, मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा जो उसकी बहू है वो गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय के लिए उसको रेफर किया गया है। और खबर उन्नाव से, जहां पर कब्र से युवक की लाश गायब होने का मामला सामने आया है। मार्च में एक युवक की लाश फार्म हाउस में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। मामले में युवक की मां ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। युवक की मां का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। बीते 3 अगस्त को बाढ़ के पानी की वजह से कब्र नहीं खोदी जा सकी, लेकिन अब जब कब्र खोदी गई तो अंदर सिर्फ कफन था, लाश गायब थी। कि हाँ होएगा, तुमने कहा मैडम मिट्टी खराब हो जाएगी, पोस्टमार्टम कैसे होएगा, तो कहने लगी मिट्टी खराब हो जाएगी लेकिन हड्डियों से पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो ये करके हम काफ़ी दिन से लगे रहे कि आज निकल होएगा, तो वो 3 तारीख दोनों लोग निकलवा दिए, PM साहब और कप्तान साहब, लेकिन चौकी वाले सुनत नहीं रहे। फिर उसके बाद में जब सुनवाई भी तो 3-8 को तो पानी भर गया घाट में, फिर उसके बाद पड़े रहे। तो अब ये कल का समय निकाला कर, तो जब कल गए सब लोग कि मिट्टी निकाली जाए पोस्टमार्टम हुए, तो वहाँ पे सब जगह खुदाई हुई गया, जहाँ मतलब गड़े रहे वहाँ पे नहीं मिला हमारे लड़के की लाश, मुन्ना ने हटवा दिया निकलवा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।